अर्थ क्या होता है, ठीक है, समाज के डिफिनेशन देखेंगे और समाज के भेद देखेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, समाज होता क्या है। समाज का शाब्दिक मीन्स होता है कम अर्थ, ठीक है, शाब्दिक मीन्स होता है कम अर्थ। उसको पहले हम देखते हैं कि शाब्दिक अर्थ होता क्या है, समाज क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं इसकी हम परिभाषा बताते हैं। तो चलिए अब हम अपनी हिंदी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहले हमने देखा समाज का शाब्दिक अर्थ। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब संक्षिप्त करना, संक्षिप्त ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, दिया होता है निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त, संक्षिप्त में कम शब्दों में उत्तर देना, उत्तर देने या कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट करना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समाज का संक्षिप्त अर्थ होता है, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कर अर्थ, संक्षिप्त करना या अपनी अथवा अपनी बातों को कम से कम शब्दों में प्रकट करना। जैसे हम कोई बात है, कोई लंबी बात है, उसको इस तरह से प्रकट करना कि बहुत ही कम समय में वो आप अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट कर दें, ठीक है। तो समाज हमारा क्या होता है, समाज का शाब्दिक अर्थ फिर से देखते हैं। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त करना मीन्स छोटे से लघु रूप में उसको प्रकट करना, अर्थात अपनी बात को कम से कम शब्दों में दूसरों के सामने प्रकट करना, ही हमारा क्या कहलाता है, समाज कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं इसके एग्जांपल देख लेते बेटा, जैसे जैसे लिखा था माता और पिता, देखिए माता और पिता, माता और पिता, ठीक है, राजा का महल, लिखा है राजा, राजा का महल, ठीक है, लिखा भाई और बहन, ठीक है, लिखा है भाई और बहन, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा एक लघु रूप लिखा, मतलब विस्तृत रूप लिखा माता और पिता, इसको हमको क्या करना है, इसका हमको संक्षिप्त रूप में अर्थ निकालना है, वही संक्षिप्त रूप में अर्थ निकालना ही हमारा समाज कहलाता है। संक्षिप्त रूप में अर्थ निकालने को ही हम क्या कहते हैं बेटा, समाज कहते हैं। तो चलिए अब हम इसका संक्षिप्त रूप देखते हैं, माता और पिता, तो इसको कम शब्दों में क्या कह सकते हैं, माता पिता, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग इसको, माता पिता, माता पिता। जैसे लिखा राजा का महल, ये हमने बहुत ही मतलब दीर्घ रूप में राजा का महल, इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राजमहल, क्या लिखेंगे बेटा, राजमहल, राजमहल में होता है राजा का महल। भाई और बहन, भाई और बहन, इसको जब मतलब संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, अपनी बातों को हम कम से कम शब्दों में प्रकट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे, भाई बहन, क्या लिखेंगे बेटा, भाई बहन, ठीक। हमने क्या देखा, आपको क्या बताया बेटा, समाज का पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं, क्या होता है संक्षिप्त करना अथवा अपनी बात को कम से कम शब्दों में दूसरों के सामने प्रकट करना ही समाज कहलाता है। जैसे लिखा है माता और पिता, तो इसका संक्षिप्त माता पिता, राजा का महल, तो इसका होगा राजमहल, भाई और बहन, तो इसका संक्षिप्त हो गया भाई बहन, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब हम समाज की डिफिनेशन देखते हैं, ओके। चलिए अब हम देखते हैं समाज की परिभाषा, समाज की परिभाषा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं बेटा, समाज की परिभाषा, ठीक है। तो समाज की परिभाषा है दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से अधिक पदों, अधिक पदों से मिलकर
समझ आया आपको बेटा समाज की परिभाषा? क्या होती है समाज की परिभाषा? दो या दो से अधिक पद से मिलकर बने स्वतंत्र व सार्थक शब्द को समाज कहते हैं। सार्थक मीन्स क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो। स्वतंत्र मीन्स जो किसी की भी सहायता से नहीं प्रयोग किए जाए। ठीक है, दो या दो जब दो ऐसे पद लेंगे जिनको मिलने से स्वतंत्र शब्द की उत्पत्ति होती है और सार्थक शब्द में स्वतंत्र शब्द बनता है, उसका कोई अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समाज कहते हैं। ठीक है, मीन स्वतंत्र जब हम किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे शब्द स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, प्रतंत्र जब हम किसी की सहायता लेते हैं और सहायता लेकर हम कोई शब्द बनाते हैं, उसे हम प्रतंत्र कहते हैं। सार्थक मीन्स हो जाता है जिसका कोई अर्थ होता है, या जो असार्थक होता है कोई शब्द लिखेंगे उसका कोई अर्थ होता है वो सार्थक हो जाता है, और निरर्थक हो जाता है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया? समाज की परिभाषा बताई, दो या दो से अधिक पद से मिलकर बने स्वतंत्र या सार्थक शब्दों को समाज कहते हैं। चलिए अब हम समाज के भेद देखते हैं कि समाज के कितने भेद होते हैं। तो बेटा समाज के छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? छह। चलिए अब उन छह भेदों को हम देखते हैं। ओके,
Thank you.